नमस्कार, मैं हूँ शिवानी ठाकुर। आप देख रहे हैं मैथिली न्यूज। पुनर्वास राज्य मंत्री प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्ट्रेट में लगभग 530 लाख की लागत से निर्मित 150 सीट क्षमता के अत्याधुनिक सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित मीटिंग हॉल का लोकार्पण किया। देखिए हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार 22 करोड़ प्रदेशवासियों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। सभी संचालित योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। सरकार जनता के हितों के लिए कृत संकल्पित है। समाज के अंतिम व्यक्ति को योजना का लाभ देकर उसे विकास की मुख्य धारा में लाने हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। संचालित अधिकांश योजनाओं गरीबों, किसान, नौजवान के साथ साथ महिलाओं के हितों में पूरा ध्यान रखकर किया गया है। प्रदेश में पुलिस की कार्यशैली का कारण सुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आज अपराधियों की जगह जेल में है। आम आदमी के भीतर सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। उक्त उद्दार नगर विकास सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्टेड में 531 लाख रुपए की लागत से निर्मित 150 सीट क्षमता के अत्याधुनिक सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित मीटिंग हॉल का लोकार्पण करने के उपरांत व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जनपद में बड़ा हॉल न होने के कारण बैठक आयोजित होने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब जिला प्रशासन को इस समस्या से निजात मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी के कुशल नेतृत्व में कार्यदायी संस्था ने इस मीटिंग हॉल को बनाने के मानकों का पूरा ध्यान रखा है। इस कार्य में लगे सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देशन में पुलिस के जवानों को बेहतर कार्य किया है। पहले प्रदेश में दंगा फसाद अक्सर होते रहते थे, लेकिन अब प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। पुलिस की कार्यशैली के कारण अपराधों का ग्राफ बहुत तेजी से घटा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग की काफ़ी सराहना हो रही है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का आह्वान करते हुए कहा, वह भी ऐसा कार्य करें जिससे उनकी प्रशंसा हो। आने वाले फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुने और इसका समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें, ताकि आमजन को उनकी समस्या का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनप्री। दंगा भड़क गया, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस के जाबाज सिपाहियों ने इस प्रदेश को दंगा से पूरी तरह से मुक्त करने का काम किया। और इस देश में भी जहां देखिए, पहले बम ब्लास्ट हुआ करता था, हमारे लिए सर्वोच्च है, हम उसके हित के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। जो भी आवश्यक होगा सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। आज के इस अवसर पर मैं अधिकारियों से भी